हाय जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एमएक्स प्लेयर यूज करते हो और अगर आपको उस पर ऐड से प्रॉब्लम आता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको एमएक्स प्लेयर पर ऐड रिमूव करने की पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एमएक्स प्लेयर को ओपन कर लिया है और अब आपको ऊपर की साइड ये ऐड देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एमएक्स प्लेयर पर ऐड कैसे आता है। चलिए मैं किसी एक वीडियो को प्ले कर देता हूँ। देखिए मैंने वीडियो को प्ले किया और बैक किया तो यहाँ पे ऐड देखने को मिल रहा है। तो इस ऐड को बंद कैसे करें तो आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे। तो आखिर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एमएक्स प्लेयर पर आखिर ऐड आता क्यों है। देखिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखें, अगर आपको ऐड देखने को मिल रहा है तो ओनली वो प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाने के लिए ऐड दिखाए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एमएक्स प्लेयर पर ऐड को बंद कैसे करना है। देखिए अभी तो हमने बताया कि ऐड क्यों आते हैं, अब मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ऐड कैसे आते हैं। देखिए इस एमएक्स प्लेयर पर ऐड दो टाइप के आते हैं। देखिए एक तो आप ऑनलाइन वीडियो देखते हो तब ऐड आपको देखने को मिलता है और एक आप ऑफलाइन वीडियो देखते हो तब आपको ऐड देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से अगर आप नीचे आपको वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप ये यहाँ से ऑनलाइन वीडियो देखते हो तब आपको ऐड देखने को मिलता है। डाउनलोड वीडियो पर भी आपको ऐड देखने को मिलता है। तो डाउनलोड वीडियो का ऐड बंद कैसे करें, देखिए इसके लिए आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको अपना एमएक्स प्लेयर ओपन करना है और आपको ऊपर थ्री डॉट देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग, और सेटिंग के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड प्रेफरेंस, तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। तो अगर आपका ये ऑप्शन इनेबल है वॉच ऑल एड्स 81 तो आपको इसको डीएक्टिवेट कर देना है, डिसेबल। जैसे आप इसको डिसेबल करोगे उसके बाद आपको बैक आना है और आपको एमएक्स प्लेयर पर टैप करके रखना है। जैसे आप इस पर टैप करके रखोगे आपको यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। जैसे आप ऐप इन्फॉर्मेशन में जाओगे यहाँ पे आपको डेटा यूज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये जैसे आप डेटा यूज वाले ऑप्शन पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल डाटा और वाईफाई इनको एक्टिवेट करना है। तो अगर आप इनको एक्टिवेट करते हो तो इनसे होगा क्या, देखिए अगर आप अपने ऑफलाइन वीडियो देखोगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एमएक्स प्लेयर पर अगर ऑफलाइन वीडियो देखोगे तो अब आपको ऐड शो नहीं करेगा, और अगर आप ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाओगे क्योंकि मैंने डाटा का सर्विस बंद कर दिया है। देखिए जब आप डाटा यूज करते हो तो आपको ये ऐड देखने को मिलता है ऑफलाइन पर, तो अब आप ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाओगे, आप अपना डाउनलोड वीडियो देख सकते हो विदाउट ऐड के साथ। अब अगर आपको ऑनलाइन वीडियो देखना है तो वापस अपने ऐप पर आना है, डेटा यूज में यहाँ पे इनको डिसेबल करना है तो आप ऑनलाइन वीडियो देख पाओगे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि आपको ऑनलाइन वीडियो पर ऐड क्यों देखने को मिलता है। तो देखिए एमएक्स प्लेयर पर अगर आप ऑनलाइन वीडियो पर ऐड रिमूव करना चाहते हो, देखिए मैं ऑनलाइन वीडियो पे आता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी वीडियो एक प्ले करते हो तो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलता है। और देखिए मैंने ऑनलाइन वीडियो चलाया, अगर आपको ऑनलाइन पर ऐड देखने को मिलते हैं तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो जैसे आप ऑनलाइन वीडियो पर प्रेस करते हो आपको नीचे यहाँ 100 कैशबैक देखने को मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, तो आप वॉच ऐड फ्री अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको 299 का रिचार्ज एक प्लान लेना पड़ेगा जो कि गोल्ड प्लान है। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो, अगर इस मेंबरशिप को बाय करते हो तब आपको ऑनलाइन वीडियो पर ऐड देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इन सेटिंग को बंद नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से डाटा बंद कर दे, और आप डाटा बंद करके अगर एमएक्स प्लेयर को ओपन करोगे
अगर आप यहाँ पे वीडियो देखोगे तब भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।